दोस्तों ये सामने आपके वेटर की जॉब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, और कॉकटेल बारटेंडर की जॉब अवेलेबल है, ये भी देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप लाइफ डीलर की जॉब अवेलेबल है, शेफ की जॉब्स अवेलेबल है, और इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने अप्लाई किया हुआ है और आप भी कर सकते हैं अप्लाई। क्या हाल है माल्टा प्रेमियों, मैंने एक बात तो देख ली है दोस्तों कि आप सभी को जो है ना किसी और कंट्री की वीडियोस पसंद नहीं आती, किसी और कंट्री की जॉब वैकेंसीज के बारे में जानना ही नहीं है आपको, बस जानना है कि भैया माल्टा में कौन सी जॉब निकली है, मेरे को बताओ मेरे को बताओ मेरे को बताओ। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक नई कंपनी की जानकारी लेकर के आया हूं दोस्तों। इस कंपनी के बारे में ना तो मैंने कभी आपको पहले बताया या फिर ना ही किसी और मतलब यूट्यूबर ने या फिर किसी और बंदे ने आपको कभी पहले बताया होगा। ये एक नई कंपनी, ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पर अभी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है और उन सारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट से पट से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको चाहिए होगा एक सीवी और कवर लेटर। यूरोपास सीवी और कवर लेटर अगर आपके पास है तो माल्टा पहुंचना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आप सही जगह पे जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ करिए, जो मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोस में बोलता हूं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, नई कंपनी है दोस्तों, तो इसीलिए अगर आप भी इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो भैया वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भैया मैंने बहुत से लोगों के यूरोपास सीवीज चेक किए हैं, वो खुद से बना तो लेते हैं लेकिन उसमें इतनी गलतियां करते हैं कि पूछो मत। मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, दोबारा से पूरा का पूरा सीवी बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करोगे और एक प्रोफेशनल से सीवी और कवर लेटर बनाओगे तो भैया आपको रिस्पॉन्स ज्यादा आएंगे। अगर आप अपने बनाए हुए सीवी और कवर लेटर से मतलब अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने सीवी और कवर लेटर देखे हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं उससे रिस्पांस नहीं आने वाला। अगर मैं इंडिया में बैठा होता तो भी मैं वो सीवी देख करके रिस्पांस नहीं देता, क्योंकि उसमें इतनी मतलब मिस अरेंजमेंट्स थी, वो सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती एम्प्लॉयर्स को। इसीलिए अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी के बारे में दोस्तों। ये जो कंपनी है ये कैसीनो कंपनी है, जी हां, जिसका नाम है ड्रैगनारा गेमिंग लिमिटेड। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भैया कैसीनो में किस टाइप की जॉब होगी। कैसीनो में मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है। कैसीनो में जॉब्स अवेलेबल है बार टेंडर की, फूड एंड बेवरेजेस सर्वर की, जिन्हें वेटर भी कह सकते हैं दोस्तों, साथ ही बरिस्ता वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं शेफ्स वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब्स है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक से आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश, और अगर आपको माल्टीज आती हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इंग्लिश में भी काम चला सकते हैं अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है। लेकिन अगर आप पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, जैसे शेफ्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनको भैया बेसिक से इंग्लिश में भी काम चला सकते हैं। वो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया बेसिक से इंग्लिश अगर आपको आती है तो भी आप चला सकते हैं, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ले चलता हूं डायरेक्ट वेबसाइट पर और बताता हूं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ड्रैगनारा कैसीनो की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहीं पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। इस कैसीनो से रिलेटेड जानकारी भी आप इसी वेबसाइट से ले सकते हैं दोस्तों, और साथ ही यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल है उनकी जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी। आप अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें करियर से मतलब है कि भैया यहाँ पर जॉब कौन कौन सी निकली है। तो सिंपली हम करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, जो कि आपको पेज के नीचे मिल जाएगा, और हम करियर वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि स्टार्ट योर करियर है फलाना ढिमकाना फलाना निमकाना, आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो, वरना आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा एफएनबी सर्वर, जो कि फूड एंड बेवरेजेस सर्वर होता है दोस्तों, वेटर की जॉब। यहीं पर आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहीं पर आपको छोटा सा अप्लाई का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप जॉब्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब आपको मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्लाई करने का सिंपल तरीका यह है कि आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं, आपको और भी जॉब्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉकटेल बार टेंडर की जॉब अवेलेबल है, इस कॉकटेल बार टेंडर की जॉब के बारे में भी आप जान सकते हैं अगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपको जॉब अप्लाई करनी है दोस्तों, आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैच कर लेनी है, अपनी क्वालिफिकेशंस मैच कर लेनी है कि एक्चुअली में आप उस जॉब के काबिल हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, अगर आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा।
अब देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। यहीं पर आपको जॉब टाइटल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे कि भैया आप कौन सी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है आपको अपना नाम पता ईमेल एड्रेस वगैरह भरने के बाद आपको नीचे की साइड ही CV अटैच कर देना दोस्तों। CV अटैच करने के बाद जो है सबमिट कर देना है अपने एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा रीलोड टाइम लगेगा क्योंकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख करके आएगा थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन भेजा जा चुका है दोस्तों, आपने इस जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो इसी टाइप की और भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे। आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत भी नहीं है, वेबसाइट लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसीलिए जल्दी करिए दोस्तों, जल्दी से CV बनाइए, कवर लेटर बनाइए और जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। देखा दोस्तों कितना आसान था इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना, आसान मतलब आसान, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला था ना, झटपट देखते हुए आप ऐसे अप्लाई कर दोगे और आपने कर भी दिया। बस यूरोपा CV और कवर लेटर की जरूरत थी, वो आपको चाहिए चाहिए। मेरे पास तो बना हुआ है दोस्तों, मैंने तो अपना बना रखा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेन चैनल का नाम है पब्लिक इंजन और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन 2.0। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।